श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जयपुर समेत उत्तर राजस्थान में घना कोहरा, सर्द हवा, ठंड का असर बढ़ा। जनवरी के पहले हफ्ते से शीतलहर का डर। चीपाबड़ौद में वन विभाग ने अवैध खनन पर की कार्रवाई, एक ट्रैक्टर को किया जब्त। जोधपुर में रेंदड़ी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, 6 महिलाओं सहित 9 लोग हुए घायल। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में सर्द हवाएं भी चली। कोहरे से हाईवे पर जहां लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई, वहीं सर्द हवाओं से कई शहरों में पारा गिरा। इससे प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से राजस्थान में उत्तरी सर्द हवाएं प्रभाव बढ़ने और 2 से 3 जनवरी से तापमान और गिरने की संभावना जताई है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में अज्ञात चोरों ने अनाज व्यापारी की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने दुकान गोदाम के पीछे वाले इलेक्ट्रॉनिक रिमोट वाली शटर खोलकर सोयाबीन उड़ाई है। व्यापारियों ने 20 से 25 क्विंटल सोयाबीन चोरी होने की आशंका जताई। गंगदार पुलिस मौके पर पहुंची है। हैदराबाद के बाबूराव सागर क्रिकेट ग्राउंड में सेन समाज हैदराबाद सिकंदराबाद के तत्वाधान में 2 दिवसीय सेन समाज प्रीमियर लीग 5 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। बीआरसी जोधपुर व सुपर 11 के मध्य फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बीआरसी जोधपुर की टीम विजयी रही। आयोजक गिरीश परिहार व हनुमान तंवर ने बताया कि फाइनल मुकाबले में सुपर 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बीआरसी जोधपुर ने 12 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 124 रनों का स्कोर बनाया। रनों का पीछा करते हुए सुपर 11 की टीम 8 विकेट के नुकसान पर बेहतर रन ही बना पाई। बीआरसी जोधपुर के तिवरी निवासी पीयूष भाटी को मैन ऑफ द मैच नवाजा गया। जयपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा ने साल के आखिरी शुक्रवार को अमन और इंसानियत का पैगाम देते हुए जयपुर की तकरीबन 10 से ज्यादा मस्जिदों, खानकाओं और मदरसों में 5,000 से ज्यादा इस्लाम का पैगाम संदेश पत्र बांटे गए, जिसमें बताया कि ISI जैसे कट्टरपंथ संगठन इस्लाम महजब को बदनाम करते हैं, जबकि इस्लाम महजब का मकसद पूरी दुनिया में शांति, सुकून और मोहब्बत बांटना है। आज पूरी दुनिया एक दूसरे की दुश्मन है। ऐसे में हमारा भारत, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलता है, हम किसी दूसरे देश से भेदभाव नहीं रखते। बारा के चीपाबड़ौद में वन विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए वनखंड झंझनी से मोहरम का खनन कर परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि अवैध खनन का परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। झंझनी नाके से मोहरम का खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर को जब्त कर राज साफ किया। कार्रवाई के दौरान टीम में गश्ती दल प्रभारी राधाकिशन सहित अनेक होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र के रेंदड़ी गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े में दोनों पक्षों की 6 महिलाएं सहित 9 लोग घायल हो गए। लूणी थाने के प्रोबेशनर उप निरीक्षक शैतान चौधरी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली रेंदड़ी गांव में दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद के चलते मारपीट हो रही है। तुरंत ही मौके पर पहुंचकर दोनों के पक्षों के झगड़े को रुकवाया। दोनों ही गुटों के आपस में मारपीट से 9 से लोग ज्यादा घायल हो चुके हैं। सुबह इतला मिली कि रेंदड़ी ग्राम के अंदर झगड़ा हो रहा है, जहाँ पर मैं जाता वहाँ मौके पर पहुँचा और मौके का मुआयना करने पर पता चला कि देवासी समाज की जमीन पर पटेल समाज के लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा, कब्जा कर रहे थे, जिसको लेकर दोनों कुटुंब आपस में मारपीट हुई और सभी मजबूर यहाँ लाके और भर्ती हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बानसूर पुलिस ने नववर्ष पर लोगों की ओर से मनाए जाने वाले खुशी के नए साल 2023 को लेकर एक एडवाइजरी जारी की, जिसके माध्यम से बानसूर पुलिस लोगों को नए साल पर शराब पीकर नशे में गाड़ी न चलाने की सलाह दी है। वहीं पुलिस सोशल मीडिया के जरिए भी इस पर जोर देकर लोगों को जागरूक कर रही है। इस दौरान अगर कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए हुड़दंग करते हुए पाया गया तो पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर ट्रैफिक डीसीपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया की तरफ से जारी किए गए आदेश वहीं दुर्घटना को लेकर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यातायात दबाव अधिक होने पर कई जगह वन वे होगा। हमारे संवाददाता अलीम खान ने जयपुर ट्रैफिक डीसीपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया से नववर्ष की संध्या पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर खास बातचीत की। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नववर्ष में ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरती जाएगी एवं सख्त कार्रवाई होगी, जिससे कि कोई किसी के नववर्ष के उत्सव के आयोजन में खलल न डाल सके। साथ ही रैश ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ पूरा स्टाफ तत्पर है और कहीं भी इस तरह की चीज़ सामने आते ही उस गाड़ी को उसके ड्राइवर के साथ में अलग कर लिया जाएगा एवं उसे किसी भी तरह का इस आयोजन में खलल नहीं डालने दिया जाएगा। सर, एक शराब पीकर पाया गया तो उसको एक दिन की भी जेल होगी? नहीं, शराब पीकर पाए जाने वालों के संबंध में तो सामान्य प्रक्रिया है कि पुलिस उनको डिटेन कर लेती है और संबंधित थाना उसके संबंध में कार्रवाई करता है। यस, तो वो डिटेन हो ही जाएंगे। लाइसेंस भी 3 महीने के लिए। और ड्रिंक एंड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, आप किसी चीज़ के लिए अधिकृत नहीं है वो कार्रवाई आप कर रहे हैं तो 3 मंथ्स के लिए लाइसेंस को निलंबन की प्रक्रिया है जो कि बिल्कुल अमल में लाई जा रही है। अब तक हमारे द्वारा इसमें अगर आप देखेंगे तो एक आपने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। यस, हेल्पलाइन नंबर तो शुरू से ही है और वह अपनी कोई भी आदमी को किसी तरह की परेशानी है तो वो हमारा नंबर है, उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। यस, और मैं बताता हूँ अभी इसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमेटी के निर्देश में 2019 के एमवी एक्ट में जो संशोधन हुआ था उसके तहत कुल 26,245 लाइसेंस निलंबन के लिए जब्त किए गए हैं और उनमें से 25,328 निलंबन के लिए संबंधित आरटीओस को भिजवाए भी जा चुके हैं। अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं आमजन को? इसमें मुख्य संदेश यही है कि आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो 70-80% मौतों का कारण, दुर्घटनाओं के अंदर गंभीर चोटों का कारण यही कारण है। और ये जब कार्रवाइयाँ होती हैं इसमें शास्तियाँ बड़ी हैं, लाइसेंस भी निलंबित होता है तो एक तरह से सजग और चेतना लोगों के अंदर आती है कि हम अगर इनका वॉयलेशन करेंगे तो यह दंड का प्रावधान है, जिससे कि वो उन नियमों का, सीट बेल्ट, हेलमेट का पालन करें और इन दुर्घटना में होने वाली मौतों में कम दरों में कम से कम की जा सके। पावटा से खबर, जहां प्रागपुरा नगरपालिका में भ्रष्टाचार व विकास कार्यों में अनियमितताओं के विरुद्ध पावटा प्रागपुरा नगरपालिका वाइस चेयरमैन अशोक सैनी, नरपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में पार्षदों ने डीएलबी निदेशक रिदेश कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। समस्या समाधान करने के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने व जांच की मांग की है, जिस पर स्ट्रीट पोल लाइट मामले में डीएलबी मुख्य अभियंता विद्युत रमेश चंद शर्मा द्वारा जांच व कार्य बंद करने के निर्देशों के साथ भी ठेकेदारों द्वारा मनमानी करते हुए स्ट्रीट पोल लाइट कार्य किया जा रहा है, जो कि आदेशों की अवहेलना है। वहीं पावटा प्रागपुरा नगर पालिका द्वारा वाइस चेयरमैन व पार्षदों को बिना बताए 14 कार्यों के ऑफलाइन टेंडरों को रोकने के लिए पावटा उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह व पावटा प्रागपुरा नगर पालिका चेयरमैन रमेश चंद गुजर को वाइस चेयरमैन व पार्षदों ने ज्ञापन सौंप टेंडर रुकवाने की मांग की है। सर, आज वाइस चेयरमैन पावटा प्रागपुरा नगर पालिका पार्षदों द्वारा निविदाओं को लेके व कार्य में अनियमितताओं को लेकर आपको ज्ञापन सौंपा गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
ये कार्यों में कुछ गुणवत्ता में कमी को लेकर के ज्ञापन सौंपा था। जो पोल लगाए जा रहे हैं उनका बेस जो है कमजोर है, नगर पालिका ये और जेएन से जांच करवाएंगे। घटिया क्वालिटी का काम नहीं होना चाहिए, काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। सरकार का पैसा लग रहा है तो क्वालिटी वाला काम ही करवाएंगे। दूसरा जो ऑफलाइन टेंडर है उसके लिए हम डीएफबी को लिख रहे हैं, उसमें जो भी अनियमितता हुई उसकी जांच की जाएगी। आज फिर से हम सब पार्षद और वाइस चेयरमैन साहब यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो मामला काफी दिनों से चला आ रहा है, जब से नगर पालिका बनी है तब से भ्रष्टाचार के लिए यहाँ पर पूरा गढ़ बन गया है, पूरा पाउटा प्रागपुरा। पूरी जनता बुरी तरीके से त्रस्त है, भ्रष्टाचार के एक से बढ़ के एक मामले लगातार आते जा रहे हैं। स्ट्रीट पोल वेंडर के बारे में पहले से बता रखा है, हम डीएलबी के अधिकारियों के पास भी गए थे, उसके बाद में भी इतने सारे यहाँ पर जवाब के लिए इनसे पूछते हैं तो ईओ मैडम भी कोई जवाब नहीं दे पा रही इसका, ना ही नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी इसके लिए जवाबदेह बन रहा है। फर्जी एनओसी का मामला जो कि बहुत दिनों से उठता आ रहा है, उसके बारे में कितने ही लेटर दे चुके हैं हम, उसके बाद में एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, ईओ मैडम ने भी निकाल दिया, चेयरमैन साहिबा ने भी निकाल के दे दिया कि ये वो फर्जी है। उसके बाद में उस कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा आशंका लग रही है। हम सब इसी चीज के लिए व्यथित है, पूरी ग्राम जनता इस चीज को जानना चाह रही है कि ऐसा कर्मचारी कौन है जिसको पूरी ये जो नगर पालिका में बैठे हुए अधिशीष है ये उसको बचाना चाह रहे हैं। तो हम सबकी मांग यही है कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा हम इतना खतरनाक धरना करेंगे यहाँ पर और नगर पालिका को नहीं चालू किया जाएगा उसके बाद में। तो आपसे यही हम एसडीएम साहब से भी यही विनती करने आए थे कि जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है पोल्स के माध्यम से उसको रोके, तत्काल रूप से उस कार्य को रोके, क्योंकि लगातार सर्विस लाइन पे भी पाउटा में कल भी पोल लगाए गए हैं, रोज रोज पोल लगाए, आज भी प्रागपुरा में जाकर वो पोल लगा रहे थे, उसके बाद में भी रात्रि में काम कर रहे हैं जैसे कि चोर करते हैं उस तरीके से ये लोग काम करवा रहे हैं। और ये भी कुछ लोग इस नगर पालिका में ऐसे बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए और हमारी पोल सामने नहीं आए जनता के। आज भी हम लोग सभी पार्षद लोग एकत्र होकर प्रागपुरा जाकर हम लोगों ने पोलों को जो इन्होंने जो अनियमितता से जो पोल ये लगा रहे हैं उसके लिए हमने उनको रोक कर उनको भगाया वहां से, और पूरे ग्रामीण वहां पे 100 से ज्यादा ग्रामीण वहां पर एकत्र थे। सर आज जो आपने एसडीएम को और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है तो आप बताएंगे मामला क्या है? ये काफी लंबे समय से चला रहा है, बार बार शिकायतें आ रही हैं, नगर पालिका प्रशासन नकारा साबित हो रहा है। यहाँ करीबन तकरीबन 30 से 35 लोग कल रोज पहले डीएलपी निदेशक महोदय से मुलाकात की थी, उनको ज्ञापन पत्र सौंपा था, उसमें स्पष्ट लिखा गया था, कहा गया था कि नगर पालिका पाउटा प्रागपुरा में गोठालाबाजी की नगर पालिका बनी हुई है, यहाँ कुछ भी कार्य नहीं हो रहे, आम जनता तो इतनी त्रस्त है कि वो गालियां निकाल के जाती है, जनप्रतिनिधियों को निकाल के जाती है और अधिकारियों को निकाल के जाती है, बिना पैसे के कोई काम करने को राजी नहीं है, एक दूसरे को थका दिया जाता है, एक दूसरे पर काम बाहर दे दिया जाता है। हाल ही में स्ट्रीट पोल का एक काफी लंबे समय से कार्य चल रहा है, वो एकदम लिफापोती का कार्य किया गया था, उसको भी उच्च अधिकारियों द्वारा लेटर आया हुआ था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये पूरी मिलीजुली हुई एक ऐसी नकारा नगर पालिका है जो आम जनता के गाड़ी कमाई को लूट करके उनके पैसे का दुरुपयोग कर रही है और जनता के जो जन्म मृत्यु जैसे कार्यों में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने ऑफलाइन के इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।